तो आते हैं और कहते हैं भाई कि ना आपकी गाड़ी मतलब स्पॉन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ आप कहते हो, तो उसमें ना कार का मसला नहीं होता, ठीक है, वो चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मर वगैरह सब कुछ, उसके बाद पेंट से वगैरह पेंट वाला ठीक, सब बॉडी पेंट, फिर हेडलाइट्स हो गई, हमारे इंडिकेटर्स हो गए, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट्स हो गई, फ्रंट लाइट्स हो गई, फ्रंट एक्सल लाइट हो गई, नीचे बम्पर के अंदर एक डी आर लाइट होगी, और ऊपर होगी हमारे पास इंडिकेटर्स हो गए जो हमारे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग, वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 मॉडिंग वीडियो। तो गाइस यार, आज आपका भाई दोबारा से आ चुका है GTA 5 की न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जो अपने GTA 5 के अंदर जो आपके भाई न्यू मोड बनाया है टोयोटा LC इन्वर्टर एडिशन, उसको अपने आप गेम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है, आप वहाँ जाकर उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास फाइल आ जाएगी। मैं अभी अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसे आपको उसमें एक वैसे फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि इस पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल लाइन यूजर इन्वर्टर बाय ZTG, तो मैंने इस फाइल के ओवर फाइल बना दी है। मतलब कि ओवर फाइल का मतलब है, जो लोग मुझे शुरू से मतलब कि मोड यूज़ करते आ रहे हैं उनको तो पता है कि मैं जब भी कोई मोड बनाता हूँ उसकी OIV फाइल लाजमी बनाता हूँ, क्योंकि OIV फाइल से क्या होता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई मतलब कि मोड्स को इंस्टॉल करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। मतलब कि आप सिंपल इसको ड्रैग करना और अपने ओपन आईवी में ड्रॉप कर देना, तो आपका जो मोड है वो खुद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। कोई DLC लिस्ट में जाने आपका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ना DLC पैक में डालने की जरूरत है, सिंपल आपने इसको ड्रैग करना और ड्रॉप कर देना गेम के अंदर। तो बिना देरी के मैं मेरा ओपन आईवी ओपन कर लेता हूँ यहाँ से विंडोज़, क्योंकि मेरा मैं विंडोज़ ऑप्शन करता हूँ विंडो। तो गाइस सर, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, या चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। जब हमारा 3K का जो एम है सब्सक्राइबर का वो कंप्लीट कर दो, ताकि जो हमारा 3D मॉडलिंग कन्वर्टिंग सीरीज़ है मतलब कि वो शुरू कर सकें। जैसे मैंने ये न्यू मॉडल है 3D कन्वर्ट जो मैंने किया है, ठीक है, तो अपने यहाँ से एडिट मोड करना, अपना इसको करना, अपने ओवर फिल को ड्रैग करना यहाँ से, और यहाँ पे अपने ड्रॉप कर देना है। ऐसे आप ड्रॉप करके आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ट्विटर लैंड यूजर इन्वर्टर बाय ZTG, ठीक है। आगे सब की मोड की डिटेल आ गई है, ठीक है, आप करना इसको इंस्टॉल मोड फोल्डर एंड इंस्टॉल। ये मॉडल ओनली है GTA 5 में, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ मतलब कि ये मुझसे पहले भाई एक मोड बनाया था, ठीक है, जो पंजाबी पंजाबी टीम है, मतलब कि टीम पंजाबी ने इस मोड को पहले कन्वर्ट किया था, लेकिन इस उन्होंने पहले अपनी वेबसाइट डिलीट किया तो ये मोड मतलब कि चला गया, तो वो दोबारा इसलिए मैंने इसको दोबारा से उसको किया हाई क्वालिटी के साथ, इसको मैंने कन्वर्ट किया है। तो हमारा मोड इंस्टॉल हो चुका है, तो चलता हूँ अपने गेम के अंदर। मैं अपने गेम जाके दिखाता हूँ इस गाड़ी को अपने स्पॉन कैसे करना और फिर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो ओके गाइस, जो हमारी गेम है वो ओपन हो चुकी है, तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी खुली जगह पे जहाँ हमें कोई तंग ना कर सकते, तो हम चलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। ये हमारा एयरपोर्ट, ऐसे करते हैं इसको, यहाँ वेव पॉइंट मेन्यू टेलीपोर्ट ऑप्शन एंड वेव पॉइंट। तो अभी हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पे अपने मैं गाड़ी को स्पॉन करने वाला हूँ। तो मैं गाड़ी को स्पॉन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एडॉन स्पॉनर, ठीक है। तो एडवांस बनाने के लिए मैं अपना करता हूँ F5 से प्रेस करता हूँ। तो आपने जाना है SUV के ऑप्शन में, क्या होगा SUV का, अगर आपने कैटेगरीज बना के रखी हैं तो आपके पास होगा SUV, अगर कंपनी वाइज बना रखी है तो आपको टोयोटा कंपनी में आएगी, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ से आपको मिल जाएगा टोयोटा LC इन्वर्टर, ठीक है। तो आप इसको ओपन करोगे तो आपकी जो गाड़ी है वो स्पॉन हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में, जो मतलब कि मैंने गाड़ी जैसे बनाई है आपके पास ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी और स्पॉन भी हो जाएगी, ठीक है। में कोई बग नहीं है, कोई मतलब कि नॉ स्पॉनिंग वाला मसला है। अगर ऐसे मैं ना आपको बड़े करना बात बता देता हूँ कि बहुत से लोग मेरे पास जब आते हैं वो कहते हैं भाई कि ना आपकी गाड़ी मतलब कि स्पॉन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ आप कहते हो, तो उसमें ना कार का मसला नहीं होता, ठीक है। मसला इसलिए होता है आपकी मोड बेस का, ठीक है, या अपनी जो कार जो आप इंस्टॉल करते हो, या तो जो मैं कार आपको देता हूँ उसकी आप न्यू DLC बना लो, ठीक है, या तो अपनी कार की जो आप गेम की मोड बेस है वो दोबारा बना लो। अगर आप इन दोनों में से कोई एक काम कर लो कि तो आपकी गाड़ी वो स्पॉन हो जाएगी। अगर गाड़ी तब ख़राब होती है जब आप गाड़ी को स्पॉन करते हो और आपके सामने आपको इंटरेस्ट आता है करप्ट गेम डाटा प्लीज़ रिपोर्ट योर गेम, तब गाड़ी मसला होता है, ठीक है। तो अगर आप इसे ये मसला ना समझो, गाड़ी का मसला नहीं है, आपकी गेम में मसला है, ठीक है। तो अभी अगर ना मैं ऐसे कहता हूँ चीज़ें दिखाता हूँ, लोग मैंने इंस्टॉल किया व्हीकल ऑप्शन में जाता है मैंने कस्टम में व्हील, जो आप जाएंगे व्हील कलर आप चेंज करोगे, आप व्हील के ऊपर आउटलाइन सी है, ठीक है, वो चेंज होगी, जैसे मैं कहता हूँ क्रॉस वाइट, इंजन मैक्स हो जाता है, ठीक है, सब कुछ वगैरह जैसे आपकी गेम की स्क्रिप्ट होती है वो चलती हैं, ठीक है। उसके बाद आर्मर वगैरह सब कुछ, उसके बाद पेंट से वगैरह पेंट वाला ठीक, सब बॉडी पेंट जैसे तो आप इसको ब्लैक और जो करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो। उसको मैं आइस वाइट रखता हूँ, स्कैंडी कलर पर कुछ नहीं है, इसको आप ब्लैक ही रख दो, पिछले आप ब्लैक रख दो, व्हील्स में लगा कोई लगाने तो लगा सकते हो। विंडो में जाओगे तो पता होगा ब्लैक कर दो, क्या आपके विंडो में फ्रंट और बैक लाइट्स वो भी स्मोक होगी, ठीक है, आपने करना लाइट स्मोक रख देना।
एक्स्ट्रा आपके पास मैंने पीछे लगा दिया नंबर प्लेट इसकी, ठीक है, बैक पे फ्रंट पे नहीं लगा क्योंकि बम्पर पर जगह नहीं थी ऐसी अच्छी कोई, तो ये मतलब कि मैंने लगा दिया। बाकी इसमें टर्बो वगैरह सब कुछ डोर है सब वर्क करते हैं, देख सकते हो आप लोग, हाई क्वालिटी मॉडल है, ठीक है, इंजन हाई क्वालिटी, इंटीरियर भी, इंटीरियर आपको दिखाता हूँ उस गाड़ी के अंदर से, देख सकते हो आप लोग, डियाज भी हैं, उसके बाद साइड वर्किंग मिरर्स भी हैं, इंटीरियर भी आप देख सकते हो, लाइट्स भी वर्क करती हैं, देख सकते हो आप, हेड लाइट्स हो गई, हमारे इंडिकेटर्स हो गए, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट्स हो गए, फ्रंट से लाइट्स हो गई, फ्रंट एक्सल लाइट होगी, नीचे बम्पर के अंदर एक डी आर लाइट होगी और ऊपर होगी हमारे इंडिकेटर्स हो गए जो हमारे किट के ऊपर लगे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। तो एक अगर मोड अच्छा लगा तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि ना ऐसे मुझे अप्रिशिएट मिलता है, और मतलब कि न्यू न्यू मोड जो आने वाले हैं उसके लिए आप लोगों ने सबका सब्सक्राइब करना लाजमी है, ठीक है, तो आप चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। उसके अलावा नीचे मैंने अपना मतलब कि मोड्स हैं मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर रहा हूँ लिबर्टी सिटी पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उस लिंक जो है वो मैं अपने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोड आ गया सर, अगर मोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और लाजमी से मुझे सजेशन देनी है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे हो, जी मॉडलर पे हो, और अगर जी मॉडलर पे हो तो किस मेथड पे हो, अगर आप चाहते हैं कि मतलब या किसी और कार मोड के बारे में आप लोग गाड़ी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।